हेलो शार्क्स। हेलो शार्क्स, बाइक ट्रिप करने का अपना अलग ही मजा है। एक मिनट, मैं अपने को फाउंडर को बुलाना तो भूल ही गया। राइट। संभाल के भाई। वेलकम। डबल वेलकम। हेलो शार्क्स, मैं हूँ इनकी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर तस्नीम। मेरा नाम है इस्माइल और हमारे कंपनी का नाम है गार्डियन गेयर्स, बेस्ड आउट ऑफ सिकंदराबाद। गार्डियन गेयर्स की हमारी कहानी शुरू होती है 2013 में, जब एक मैगजीन में मैंने स्पोर्ट्स बाइक का फोटो देखा। 2015 में मैंने वो बाइक ली। बाइक लेने के बाद मैंने अच्छे राइडिंग गियर के लिए सारे शहर में तलाश की, लेकिन मुझे कोई अच्छा राइडिंग गियर स्टोर वहाँ मिला नहीं। तब 2015 में हमने अपने खुद का एक राइडिंग गियर स्टोर शुरू किया, गियर अप योर मोटरसाइकिल स्टोर के नाम से। जब हमने बाइकिंग कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, तब हमें मोटरसाइकिल लगेज के एरिया में एक गैप दिखा। तब 2018 में जन्म हुआ हमारे घर के गैराज से गार्डियन गेयर्स का, और आज हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रीमियम क्वालिटी के टैंक बैग्स, टेल बैग्स, सैडल बैग्स, बैकपैक्स, टैंक पाउचेस और दूसरे प्रोडक्ट्स। हमें गर्व है कि हमारे प्रोडक्ट्स को 30,000 से ज़्यादा कस्टमर्स ने उसकी क्वालिटी के लिए अप्रिशिएट किया है, और हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन हमारी खुद की वेबसाइट पे, ऑन अमेजोन and across 70 offline stores in India. हमारा सपना है कि हमारे बैग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के देश में भी एक्सपोर्ट करें और हम इंडिया का नंबर 1 मोटरसाइकिल लगेज ब्रांड बने। इसीलिए हम हमारी कंपनी का 5% का शेयर 30 लाख के लिए ऑफर कर रहे हैं। So Sharks, are you ready to shake hands and create your own story? Wow, what a grand entry! Thank you, welcome, sir. Welcome. Thank you so much. तस्नीम, आप क्या करती हैं बिजनेस में और इससे पहले क्या करती थी? मैंने उनको ज्वाइन किया था गियर अप योर मोटरसाइकिल स्टोर में। जो हमारा स्टोर है वहाँ पे मैंने सेल्स फ्रंट मैं मैनेज करती हूँ। जब इनको आइडिया आया कि हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था गार्डियन गेयर्स, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। अब मैं ऑलरेडी एक पार्ट थी उनके बिजनेस की और लाइफ पार्टनर तो हुई, तो उन्होंने मुझे को फाउंडर बना दिया था। ओके, एंड आपको इक्विटी भी दी है? जी मैम। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? 50-50 पर। ओके, और आपकी वर्कशॉप में काफी विमेन काम करती है? जी मैम। जी। ये बैग्स और कोई नहीं बनाता, ये खाली आप ही लोग बनाते हैं? तो इंडिया में 3 या 4 लोग ही है जो खुद मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं। ऐसे 10 ब्रांड है जो करते हैं ये काम। आपकी खुद की फैक्ट्री है? जी, हमारी खुद की। कितने लोग काम करते हैं? 30 लोग काम करते हैं। तो बाइक बैग्स का इतना बड़ा बिजनेस है, मतलब आप कह रहे हो खाली बाइक बैग्स का? जी सर। मेरे को ये जो लगता है आपका मार्केट मेन होगा रॉयल एनफील्ड और हार्ली डेविडसन का। बट सर, ये बाइक्स इज नॉट फॉर रॉयल एनफील्ड, दिस कैन फिट ऑन एनी मोटरसाइकिल। हम लोग 25,000 टू 30,000 बैग्स बेचते हैं साल के। ओके। और लास्ट ईयर हमने सेल बुक किया था 1.5 CR का। ओके। और ये साल हम 2.5 CR टारगेट कर रहे हैं। बट ये बैग्स के बिजनेस से हुआ है, नॉट विद योर शॉप बिजनेस। नो, दिस इज ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट शॉप। इज सेपरेट। शॉप इज सेपरेट। इसमें बाइकर बैग और नॉर्मल बैग में क्या फर्क? जरा दिखाई दो ना। डीकैथलॉन में भी ऐसे बैग्स मिलते हैं? जी सर, मिलते हैं। 100% मिलते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी आप चेक कीजिए और ये क्वालिटी चेक कीजिए। क्वालिटी में फर्क है, ये क्वालिटी बेटर है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपके जिपिंग भी, जनरली देखा जाए ना, लोग कंस्ट्रक्शन भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन जिपर में अक्सर मार खा लेते हैं और जल्दी खराब भी हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और कितने का है ये बैग? कितने का? ये 500 का है। इट्स अमेजिंग। अब मेरे को आपसे ना 1-2 क्वेश्चंस है मेरे, प्लीज वो क्वेश्चंस का आंसर कर। आप लोग क्या, आप ब्रांड हो या आपका प्रोडक्ट है? अच्छा सर, एक्चुअली क्या है कि हम एक प्रोडक्ट भी है, हम अभी वो प्रोडक्ट को हम ब्रांड बनाना चाहते हैं। मेरे को ये पूछना था, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? वो बैग आप कितने का बेचते हैं और क्या कॉस्ट है? ये 3000 का है। ओवरऑल 50% मार्जिन भी है। और आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जी सर। क्या EBITDA होगा इस साल? अभी तक कितनी सेल हुई है आपकी पूरे साल में? 1.25 CR का हमने किया। और कितना प्रॉफिट होगा अभी तक? 50% जैसा मैंने बताया। तो नेट मार्जिन हो गया ना। फाइनल प्रॉफिट इज 12 टू 15% के आसपास। 2.5 करोड़ में आप करीब 35-40 लाख रुपया, 35 लाख रुपीस प्रॉफिट करेंगे। तो ठीक है, मेरा डिसीजन इस पे बन गया। मेरे को ये लगता है कि अभी जो आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत नीश है। दूसरी बात, आपकी जो ब्रांडिंग है मेरे को थोड़ी सी ऑन द एज रिस्की लगती है। नॉट सेइंग की कॉपी है, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, बट दूर से अगर कोई देखे तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन हार्ली डेविडसन के लोगों का आता है, और मैं इसमें स्केल नहीं देखता और इस कारण से मैं आउट। आपका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है बताएंगे? हमने 18 लाख किया था जून में, फिर हमने 21 लाख किया, फिर सितंबर में हमने 30 लाख भी टच किया, फिर लास्ट मंथ हमने 21 लाख किया है सेल। क्या परसेंटेज बिकता है अमेजोन पे और बाकी आपके साइट? 60-40 बोल सकते हैं आप। 60% इज अमेजोन, 40% इज ऑफलाइन। इंटरेस्टिंग तो है आपका बिजनेस, आप प्रॉफिट भी बना रहे हैं। मैं थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि आप ब्रांड और इसको स्केल कैसे करेंगे। प्रोडक्शन तो आपका स्ट्रेंथ है, वो तो दिख गया, आपके प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है, लेकिन बाकी सब एरियाज में कौन करेगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हम तो अपना काम छोड़ के नहीं बैठ सकते। ब्रांड बनाने के लिए एक बहुत सॉलिड डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। सर, हम ऑलवेज किसी अच्छे पर्सन को हायर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर हमारे पास फंड्स होगा तो बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा ना, जैसे ही आप, जैसे एक मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी कंपनीज रोडस्टर आपने ऑनलाइन देखी होगी, उसी के बहुत सारे सिमिलर कॉपी आने लग गए, बहुत सारे। फिर उससे क्या होता है ना, आपका आईपी खत्म हो जाता है। फिर आपका आधा टाइम किसमें, पता किसमें जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ अपना ब्रांड नेम के। सही बात है सर। और ग्रोथ बियॉन्ड एक्स नंबर जो होगा ना, वो आना बहुत टफ हो जाता है। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। अब आपके पास एक शाकी ऑफर आने वाला है। अरे बाप रे। वी आर एक्साइटेड। बाकी हम हैं। ऐसे बिजनेस में चैलेंज ये होता है कि एक तो यू नो वो स्टोर रन कर रहा है, जो हम चाहेंगे कि बिफोर मेकिंग द ऑफर कि वो ना चले, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शन है, उसमें जो जितना भी एफर्ट जाता है, रिसोर्सेज जाते हैं, वो वर्थ इट नहीं होते हैं। हाँ। और दूसरी चीज़ है, ये डेफिनेटली बहुत क्राउडेड मार्केट है, एंड आप लोग का ब्रांडिंग का अभी थोड़ा चैलेंज है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपका जो लोगो है हार्ली जैसा दिखता है, एंड कलर वो KTM बाइक्स वाला है, तो वो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो अपनी पहचान बनानी है। तो और डेफिनेटली आपको एक ब्रांडिंग के लिए एक स्मार्ट यंग पर्सन रखना पड़ेगा, बिकॉज आप दोनों लग रहा है कि वो आपका कंफर्ट नहीं है। ये बैग बनाना जो आपने बहुत अच्छा बनाया, ये आपका कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। तो दैट इज ऑन द बेस ऑफ दैट वी वांट टू मेक एन ऑफर टू यू। तो 30 लाख फॉर 30%। Where all three sharks will come 10%। और ये नॉन नेगोशिएबल ऑफर है। आई थिंक इसमें हम काउंटर का इन और आउट ऑफर है, ये आपको डिसाइड करना है। हम एक काउंटर देना चाहते हैं। अगर हम 15% और 30 लाख कर सकते हैं। नहीं, मैं उसमें बाहर हूँ, सॉरी। उससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते सर। इस 15% में ये डील हमारे लिए काम नहीं करेगी। I'm very sorry, but we are out. Thank you so much. Thank you. Thank you everybody. All right guys. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.